हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे शिमला मिर्च आलू और बीन्स की सब्ज़ी जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सारी सब्ज़ियों को मैं वॉश के ले लूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने 3 आलू लिए हैं, 2 शिमला मिर्च लिए हैं, थोड़ी सी ये बीन्स है, 1 टमाटर है, 3 छोटे से ये प्याज है, साथ में हरी मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी और ये धनिया की भी ज़रूरत पड़ेगी। सारी सब्ज़ियों को मैंने धोकर काट लिया है। आलू ये लाल आलू है, लाल आलू खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। शिमला मिर्च को थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटा है, टमाटर मैंने काट लिए, प्याज भी मैंने काट लिया है, बीन्स मैंने अभी नहीं काटी है। बीन्स का क्या करेंगे, जो किनारे का पार्ट है इस तरह से इसको हटा देंगे। और दोस्तों ये बीन्स मैंने बहुत सॉफ्ट लिए, बीन्स जो होती है ना कुछ हार्ड हो जाती है, तो हार्ड बीन्स हो जाती है ना तो फिर उसके आपको काटने में क्या होता है, उसके साइड में तार ऐसा निकलता है, वो निकालना पड़ता है, लेकिन इस सॉफ्ट बीन में ऐसा नहीं है, बस आप इसके साइड काट दीजिए, आपकी बीन्स कट जाएगी। बीन्स को थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा काटूंगी, थोड़ा लंबा इस तरह से काटूंगी, आप चाहें तो आप छोटा भी काट सकती हैं, लेकिन मैं लंबा काट रही हूँ। सब्जियों की कटिंग करने के बाद चलिए तो अब बनाना शुरू करते हैं। मेन काम जो होता है ना सब्जियों की कटिंग, सब्जी कटिंग हो जाती है तो काम बहुत ईजी से हो जाता है। मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, मुझे जितना चाहिए था मैंने अपने हिसाब से ले लिया है, आप अपने हिसाब से ऑयल ले सकती हैं। ऑयल मेरा गरम हो चुका है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ज़ीरा डाल दूँगी। गैस के फ्लेम को मैंने लो रखा है, 2 लौंग ले लिए है, 1 तेज़पत्ता ले लिया, 3 लाल खड़े मिर्ची डाल दी मैंने, थोड़ी सी हींग डाल देते हैं यहीं पे, साथ में मैंने जो प्याज काटी थी प्याज डालेंगे। प्याज के साथ में ही मैं यहाँ पे आलू डाले दे रही हूँ। कच्चे प्याज में आलू साथ में डाल देने से क्या होगा कि आलू और प्याज दोनों हमारे साथ में ही फ्राई हो जाएंगे। आलू को मैंने काट के पानी में भिगो दिया था, इससे क्या होगा कि आलू हमारे देखिए काले नहीं होंगे, अगर आप आलू ऐसे ही रख देंगे तो आलू काले हो जाते हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को साथ में ही फ्राई करते हैं। आलू को थोड़ा सा हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं क्योंकि बहुत आलू गलाना भी नहीं है, बाकी भी सब्जियों के साथ आलू पकेंगे तो इसलिए आलू को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें ताकि आलू का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे। आलू को फ्राई करने के बाद अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, थोड़ा सा लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी फ्राई करेंगे। तो मैंने 1/2 स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, तो अब मैं लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको फ्राई के ले रही हूँ, बस 1 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। सारा काम मैं मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। टमाटर डाल देते हैं, टमाटर डालकर थोड़ा सा इसे ढककर पका लेते हैं ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। टमाटर प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, अब क्या करेंगे, थोड़े से सूखे मसाले डाल देते हैं। बहुत थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी, 1 स्पून धनिया पाउडर, मिर्चा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं, नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, साथ में बीन्स डाल देते हैं। आलू हमारे थोड़े से गल चुके हैं, अब बीन्स डाल देते हैं। बीन्स को आलू थोड़ा सा गलने के बाद डालने क्योंकि बीन्स जो है ना बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसको बस यहीं पर डाल दें, मसालों को डालने के साथ ही बीन्स को भी डाल दें। आप देख सकती हैं अभी हमारी सब्ज़ी का कलर कितना ज़बरदस्त आया है, कितनी बढ़िया सब्ज़ी लग रही है हमारी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको ढककर पकाते हैं। तो हमारे बीन्स भी अच्छे खासे गल चुके हैं और अब यहीं पे मैं शिमला मिर्च डालने दे रही हूँ। शिमला मिर्च सबसे बाद में डालें क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो अब मैं शिमला मिर्च डाल के हाई फ्लेम पर इसको पकाती हूँ ताकि शिमला मिर्च के अंदर थोड़ा सा जो पानी होता है वो भी ख़त्म हो जाए। साथ में 2 मिनट ढक कर इसको पका लेते हैं ताकि शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 1/2 स्पून के बराबर होममेड गरम मसाला डाल देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है होममेड गरम मसाले से। थोड़ा सा धनिया डालकर इसको पका लेते हैं और मैंने ये 1 मिर्चा काट कर डाल दिया है, इसका भी फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। सारी सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक चुकी है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ।
एक सेकंड के लिए इसको ढक देते हैं। तो अब ये हमारी सब्ज़ी फाइनली बन चुकी है। अब मैं गैस बंद के दे रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त टेक्स्चर सब्ज़ी का हमारी आया है, कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है। सारी सब्ज़ियाँ गल चुकी हैं, बीन्स भी गल गई है, शिमला मिर्च भी गल गई है। बहुत ज़्यादा शिमला मिर्च गली नहीं, अच्छी लगती है खाने में। फिर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया,